नमस्कार, श्याम एकेडमी की ओर से मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 हिंदी में हमने पहले कविता 5 है उसकी समझ प्राप्त की थी, हिंद देश के निवासी, उसके प्रश्नोत्तरी की भी चर्चा की थी। अब आज हम इसके भाषा सज्जता के बारे में जानेंगे। तो भाषा सज्जता में यहाँ पर जो दिया गया है कि प्रियंका मीना से कहती है, मीना आज तू चुपचाप क्यों बैठी है, मंदिर नहीं आना? मीना जवाब देती है, नहीं मेरा मन नहीं लगता। प्रियंका कहती है, अरे हाँ आजकल तुम बहुत खेल रही हो ना। अब यहाँ पर प्रियंका, मीना, प्रियंका ये संज्ञा है और तू, मेरा, तुम ये सर्वनाम शब्द है। सभी छात्र छठी कक्षा में आप थे तभी आपने सर्वनाम की समझ प्राप्त की थी। फिर से हम सर्वनाम के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें कि जिस प्रकार से संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम में उपयोग में आने वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो मैं, हम, मेरा, हमारा, तुम्हारा, मुझे, मुझसे, मेरे लिए, हमसे, हमारे लिए, तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपसे, आपको, तुम्हें, तुम्हारी, तेरे, तुझे, वह, वे, उससे, उनका, उन्हें, उनसे, उसकी, उसका, उससे, उनकी और उनके, ये शब्द सर्वनाम शब्द है। इसके आगे यह, ये, इसे, इसको, इन्हें, इनका, इनसे और इनके लिए, कौन, किसके, कुछ, कोई, किसी, कब, कैसे, किसको, किससे, क्या, ऐसे प्रश्न पूछे जाने वाले शब्द भी सर्वनाम शब्द है। जैसा, वैसा, स्वयं, आप, खुद, स्वतः, ये सारे शब्द सर्वनाम शब्द है। इसकी समझ हमने छठी कक्षा में प्राप्त की थी। आइए अब यहाँ पर हम विशेष जानकारी सर्वनाम की प्राप्त करते हैं। मीना, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ पर मुझे खेलना राज नहीं आता, नहीं आया। तो प्रियंका उसका उत्तर देते हुए कहती है, क्यों? मीना कहती है, कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी तब गेंद ने सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया। उन्होंने मां से शिकायत कर दी। प्रियंका, ओ अब समझी तेरी उदासी का राज, खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। मीना कहती है, आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, अब मैं ध्यान रखूंगी। तो हमने यहाँ पर जो वाक्य पढ़े उसमें संज्ञा शब्द है वो हमारी जो सर्वनाम की व्याख्या है कि संज्ञा के बदले उपयोग में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा शब्द है प्रियंका, मीना और सीमा, जो सीमा मौसी है वो, ये सारे। तो यहाँ पर हमने लिखा ही है कि उपयुक्त संवाद में व्यक्तिगत वाचक संज्ञा छाट कर लिखे, यानी कि व्यक्ति के नाम क्या है, तो व्यक्ति के जो नाम है वो प्रियंका, मीना और सीमा है। तो प्रियंका, मीना और सीमा ये संज्ञा है। अब आगे बढ़ते हैं कि दूसरा है कि इन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनकी सूची बनाइए। तो अब यहाँ प्रियंका के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है? तो प्रियंका शब्द प्रियंका के लिए मीना ने प्रियंका को कहा है आप, तो प्रियंका के लिए आप शब्द का उपयोग किया गया है। अब यहाँ पर प्रियंका ने प्रश्न पूछा था तो मीना ने उत्तर दिया, इसलिए मीना प्रियंका को आप कहकर बुलाती है। इस प्रकार से प्रियंका के लिए आप शब्द का उपयोग हुआ है, मीना के लिए तू, तुम, मेरा, मैं, मुझे, इस प्रकार से उसके लिए ये शब्द का, ये शब्द सर्वनाम शब्द है। सीमा मौसी के लिए उन्होंने शब्द का उपयोग हुआ है। अब नीचे दी गई परिभाषा को पूर्ण कीजिए कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, हमने उसकी पहले भी समझ प्राप्त कर ली थी। अब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें अलग छांटना है। तो यहाँ पर जो हमने मुझे बल्लेबाजी में मजा आता है, तो हमने यहाँ पर मुझे के नीचे अंडरलाइन की है, वो शब्द है, वो सर्वनाम शब्द है। हम मैच जीत गए तो इसमें हम शब्द है, सर्वनाम है। तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो, ये तुम शब्द सर्वनाम शब्द है। और तो चौथा है तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं, तुम्हारी जब शब्द है वो सर्वनाम शब्द है। वह कैप्टन है, वह, उसने एक लंबा छक्का लगाया तो उसने, तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द इस वाक्य में संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्द का उपयोग हुआ है। मुझे, हम, तुम, तुम्हारी, वह, उसने, ये सारे शब्द सर्वनाम शब्द है। अब यहाँ पर पांचवा है जो कि विधानों को पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त शब्द जो
इस्तेमाल हुए हैं, तो वो सर्वनाम शब्द कौन से हैं? तो अपने अपने लिए जो शब्द का उपयोग होता है कि अब राजीव स्वयं स्वयं बल्लेबाजी करने आया, तो अब राजीव संज्ञा है और वो अपने स्वयं खुद के लिए जो शब्द है वो स्वयं है, इसलिए ये शब्द स्वयं शब्द है, वो सर्वनाम शब्द है। मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो आप शब्द है वो सर्वनाम शब्द है। स्वयं और आप खुद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे सर्वनाम शब्द है। अब सर्वनाम शब्द को हम किस में इसके छांटते हैं, तो उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष में उसे छांट दिया गया है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं कि जब हम बातचीत करते हैं तो कभी अपने बारे में, कभी श्रोता के बारे में, यानी कि हमारी जो बात, श्रोता यानी कौन, कि हमारी बात जो सुनता है उसे श्रोता कहते हैं, तो कि श्रोता के बारे में, तो कभी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। अतः बातचीत करते समय हम तीन प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो बातचीत करने का ढंग है उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग होता है, उसमें उत्तम पुरुष वाले शब्द कौन से हैं, मध्यम पुरुष वाले शब्द कौन से हैं और अन्य पुरुष वाले शब्द कौन से हैं, ये जानना है। तो उत्तम पुरुष वाले शब्द में मैं, हम, मुझे, हमें आदि का समावेश होता है। अपने बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके लिए उत्तम पुरुष कहलाते हैं। कौन से सर्वनाम शब्द हैं? मैं, हम, मुझे, हमें, एक वचन और बहुवचन, ऐसे उत्तम पुरुष का सर्वनाम शब्द का उपयोग होता है। इसी प्रकार मध्यम पुरुष कौन से शब्द हैं? तो अब दूसरे दूसरे से बात करते हैं, यानी कि हमारी जो बात सुनता है श्रोता के लिए, तो श्रोता के लिए मध्यम पुरुष का उपयोग होता है। तू, तुम, आप, तुझे, तुम्हें आदि शब्द का उपयोग हुआ है, ये मध्यम पुरुष, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं, वो मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्द हैं। अन्य पुरुष, तो वह, वे, उसे, उन्हें, हमने यहाँ पर जो उदाहरण देखा था कि सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया था, उन्होंने माँ से शिकायत की, तो उन्होंने यानी यहाँ पर वो हाजिर नहीं है, फिर भी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, दोनों बात कर रहे हैं पर तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, सीमा मौसी की, तो उन्होंने, तो ये तीसरे व्यक्ति की जो बात है वो अन्य पुरुष शब्द सर्वनाम शब्द है। वह, वे, उसे, उन्हें आदि ये सारे शब्द अन्य पुरुष सर्वनाम शब्द है। अब निजवाचक सर्वनाम यानी अपने आप के लिए, खुद के लिए जो सर्वनाम का शब्द उपयोग होता है, तो कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है तथा जिनसे निजत्व यानी कि नजदीक का या अपनेपन का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, वह आप ही चला जाएगा, वो दूसरों के बारे में है और वे खुद चले गए, तो ये भी दूसरे के बारे में है। तो इस प्रकार से निजवाचक सर्वनाम शब्द कौन से हैं? तो कि स्वयं, अपने आप और खुद, ये सारे शब्द निजवाचक सर्वनाम शब्द है। यहाँ पर हमने भाषा सच्चता में सर्वनाम की विशेष जानकारी प्राप्त की, तो यहाँ पर जो हमारे सर्वनाम की समझ है वो पूर्ण होती है। चलो बच्चों, बाय।